जी नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई से भाई बात करनी क्या है, फ्लाइट से रिलेटेड अभी मैटर चल रहा है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से, उधर वाला कम हो गया है। जी हाँ, अभी कोई भी कंट्री का देख लीजिए, आने वाले कम हैं, जाने वाले ज़्यादा, ये अभी स्थिति ये चल रही है। आज हम बात करेंगे भारत के जो राजदूत हैं यूएई में, इंडियन एम्बेसी में, पवन कपूर जी, उन्होंने ये बताया कि भाई इंडिया में, आपको पता है 12 जुलाई से फ्लाइटें स्टार्ट हुई थी इंडिया से दुबई यूएई के लिए। जी हाँ, और उसमें 26 जुलाई तक था, उसको आंकड़ा बढ़ा के फिर कर दिया गया, अभी आंकड़ा ये कर दिया गया 31 जुलाई तक। जी हाँ 31 जुलाई तक इंडिया से फ्लाइटें दुबई के लिए जारी रहेंगी भाई। बाकी ये तो एक देखिए बोलने का तरीका है, बाकी तो फ्लाइटें तो चालू रहने वाली हैं, कौन सी बंद हो जाएंगी यार, क्योंकि 12 जुलाई से 26 करी, 26 से फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर 31 जुलाई कर दी, तो आगे तो फिर और ज्यादा ओपन होगी ना। आगे उन्होंने ये बताया कि भाई 5 जुलाई से फ्लाइट, 5 अगस्त से टिकटें ऑनलाइन बिकना स्टार्ट हो जाएगी, आप एजेंट के थ्रू भी, कोई ऑफिस के थ्रू भी टिकटें ले सकते हैं 5 अगस्त से। जो 5 अगस्त जा चुकी है इसका मतलब फ्लाइटें ओपन हो चुकी हैं, टिकटें ओपन हो चुकी हैं, कहीं से भी आप टिकट बुक करवा सकते हैं। ये अलग बात है कि भाई एजेंटों के थ्रू आप टिकट लोगे तो महंगी मिलेगी, नो डाउट। एजेंट मैं बता दूं, एजेंट टिकट महंगी बेचने की भी कोशिश करते हैं, कालाबाजारी भी एजेंट करने की कोशिश करते हैं, उनको पता है सीट लिमिटेड है, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो पैसा वो ज़्यादा लेते हैं। तो आप टिकट थोड़ा लॉन्ग टाइम में लीजिए, जैसे आपको जाना है 15 दिन बाद, तो टिकट थोड़ा पहले ले लीजिए ताकि टिकट सस्ती पड़े। सेकेंड बता दूं कि अभी जो यूएई के जो अखबार हैं, जो पेपर हैं, उसके हिसाब से जो इंडिया के जो राजदूत हैं पवन कपूर जी, उन्होंने बताया कि इंडिया से लगभग 25,000 के करीब लोग एक पिछले 12 जुलाई से अब तक आ चुके हैं, 20 से 25,000 का आंकड़ा निकल के आ रहा है, हालांकि फिक्स कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 20 से 25,000 इंडियन वर्कर जिनके पासपोर्ट में वीजा लगा है वो लोग दुबई पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और आगे भी इसको बढ़ा के थोड़ा सा और आगे आने वाले टाइम में इजीली कर दिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि भाई टिकट फ्लाइटों का, नॉर्मल फ्लाइटें अभी स्टार्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी इजाजत नहीं दे रही है, नहीं कर रही, क्योंकि कोविड-19 के आंकड़े आपको पता है भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं, लगभग 2 मिलियन हो चुके हैं भाई, और डेथ की बात करें तो लगभग 4,000 के करीब अभी तक पहुंच जाएगी, 14,000 के करीब अभी तक पहुंच रही है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इसलिए फ्लाइटों में टाइम लग सकता है इस महीने में। तो देखिए गवर्नमेंट ने बढ़ा ही दिया कि 31 अगस्त तक फ्लाइटें सस्पेंड की जाती हैं, बाकी जो वंदे भारत 5 जो चल रहा है उसके तहत जो फ्लाइटें वो तो चली रही हैं, बाकी फ्लाइटों की टिकट का इतना मारामारी अब नहीं बचा। अब तो इंडिया से जाने वाले लोग बाहर जाते हैं, बाहर से आने वाले लोग कम हो चुके हैं, लेकिन ये जो अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ बता दी, 20 से 25,000 इंडियन वर्कर अभी दुबई पहुंच चुके हैं, और उधर से भी आने वालों की संख्या ठीक है। फ्लाइटें भी उन्होंने बताया कि इस महीने में 600 या 700 फ्लाइटों का शेड्यूल रहेगा। जी हाँ, यानी इनबाउंड और आउटबाउंड में 600 से 700 फ्लाइटें अकेली दुबई के लिए रहेंगी। तो भाई इतनी फ्लाइटें तो फिर बहुत है यार, कितने लोग अभी, लोग लगभग आ चुके हैं, इधर से जाने वाले हैं। तो भाई उम्मीद ये है कि आगे वीज़ा से रिलेटेड भी कुछ नया अपडेट आने वाला है, तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जैसे कोई अपडेट आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।